तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू, जिसमें हम और जनक देखेंगे जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, उसमें कौन कौन से जनक, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान हुए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, पार्ट फर्स्ट इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पार्ट टू, और इसमें हम कुछ और शिक्षा मनोवैज्ञानिक के नाम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। ठीक है, तो व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे? तो बी वॉटसन। ओके, तो वी वॉटसन थे आपके व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवी। ठीक है, तो जॉन डीवी प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत लेकर आए थे। नेक्स्ट है हमारा किंडन गार्डन विधि के प्रतिपादक, यानी किंडन गार्डन विधि कौन लेकर आया था? तो किंडन गार्डन जो विधि थी वो लेके आए थे आपके फ्रॉबेल। नेक्स्ट है डॉल्टन विधि। डॉल्टन विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके मिस हेलेन पॉग होस्ट। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक, मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक थे मैडम मारिया मोंटेसरी। ओके, हो गया आपका सिक्स। नेक्स्ट देखते हैं संरचनावाद, यानी कि जो कि 1879 में आया था, उसके जो जनक थे वो थे आपके विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट इसका वन लाइन आंसर है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का सिद्धांत कौन लेके आया था? तो जस्ट जो हमने अभी ऊपर देखा था वही है व्यवहारवाद, जो कि 1912 में आया था और इसके जनक थे जे वी वॉटसन। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद, जो कि 1900 में आया, इसके जो जनक थे वो थे आपके सिगमंड फ्रॉयड। और विकासात्मक या संज्ञानात्मक सिद्धांत लेकर आए थे जीन पियाजे। ठीक है, इन्होंने चार अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, आपका 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से लेकर के किशोर अवस्था की और आगे तक। ठीक है, जो कि लास्ट अवस्था होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है। फर्स्ट जो आपकी रहती है सक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर मूर्त और अमूर्त को लेकर के, या फिर आप इंद्रिय इंद्रपेशीय करके भी है उसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो 0 से 2 इयर्स आपकी रहती हैं। ठीक है, वो रहती हैं आपकी विकासात्मक यानी संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे लेकर आए थे। चलिए नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लेकर आए थे पावलोव महोदय। ठीक है, पावलोव जो थे वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लेकर आए थे 1904 में, और इसको मैंने एक पर्टिकुलर इसका वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। या तो आप CTT की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर आप MP संविदा शिक्षक की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर आप बाल विकास की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई, उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने थर्नडाइक का, स्किनर का, पावलोव का, कोहलर का, सभी की एक थ्योरी दी है सारी, कि इन्होंने किस तरह से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किस पर प्रयोग किया था। ठीक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा डिटेल में। ओके, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था पावलोव लेकर आए थे। उसके बाद अगली जो बात की जाए वो है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत लेकर आए थे आपके स्किनर महोदय। तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इसे कई और नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे कि आ सकता है कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत, या फिर सक्रिय अनुकूलित सिद्धांत, ठीक है, या फिर अनुबंध सिद्धांत के नाम से आ सकता है। तो सभी के जो रहेगा वो रहेगा स्किनर। ठीक है, और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो स्किनर महोदय थे, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो क्या किया था, चूहे पर किया था, और कबूतरों की सहज क्रियाओं पर अनेक इन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत, जो कि हल लेकर आए थे। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत लेकर आए थे आपके कोहलर। नेक्स्ट है रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे कहा जाता है IBT विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो हरमन रोशा। तो हरमन रोशा थे, और इन्होंने अपने ही नाम पर इस विधि का नाम रखा, तो इस विधि को कहा गया हरमन रोशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किंडर गार्डन विधि के प्रतिपादक। तो किंडर गार्डन विधि के प्रतिपादक थे फ्रॉबेल। ठीक है, तो किंडर गार्डन भी ये लेकर आए थे, इसे आप बाल उद्यान भी कह सकते हैं। इसके अलावा खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रॉबेल कहे जाते हैं। ठीक है, तो खेल विधि फ्रॉबेल लेकर आए थे, किंडर गार्डन फ्रॉबेल लेकर आए थे, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत लेकर आए थे वो भी फ्रॉबेल ही लेकर आए थे। ठीक है, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, जो कि मैंने आपको बताया, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रॉयड।
प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, प्रोजेक्ट जो विधि थी उसके प्रतिपादक थे विलियम हेनरी किल पैट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 19 जनक। ठीक है, अलग अलग सिद्धांत जो लेकर आए थे, आपका प्रोजेक्ट विधि हो गई, मनोविश्लेषणात्मक विधि हो गई, खेल विधि हो गई, किंडर गार्डन हो गया, रोसा से आई दब्बा परीक्षा, अंतर्दृष्टि है सूझ का सिद्धांत कोहलर। ठीक है, तो इस तरह से इनको इनकी ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ जनक। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो जनक है, यानी कि जिन्हें आप शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।